नमस्कार मित्रों, SGL भक्ति में आपका स्वागत है। आपकी बहुत दिन से डिमांड थी कि मैडम हमारे लिए कोई ऐसा मतलब तेल बनाओ। कोई कहता मेरे घुटने में दर्द है, कोई कहता कमर में दर्द है, तो मैं आज आपको एक ऐसा तेल बनाना सिखा रही हूँ जिससे आपके घुटने का दर्द, कमर का दर्द सब छूमंतर हो जाएगा। किसी को चोट लग जाए तो वो भी सही हो जाएगा इससे। ये मैं अश्वगंधा का तेल बना रही हूँ। अश्वगंधा का पौधा मैं अब जंगल में आई हूँ यहाँ देखने, तो ये अश्वगंधा का पौधा है। देखो इसमें लाल लाल फल आते हैं, इसको अच्छी तरह देख लीजिए कितना अच्छा है। इसमें लाल लाल फल आते हैं। इसको दूसरा नाम इसका सोमनी फेरा है, सोमनी फेरा भी इसको कहते हैं। बिथानिया प्रजाति का है ये। और इसमें अश्व की सी गंध आती है, लाल लाल इसमें फल आते हैं। इसको अगर आपको कहीं जंगल हो, जंगल में से ले आओ, नहीं तो ये मार्केट में सूखा भी मिलता है, सूखा भी आप ला सकते हो, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। अश्वगंधा उससे कह दो, अश्वगंधा दे दो भाई, तो अश्वगंधा का पाउडर भी मिलता है, लेकिन आप साबुत ही लाना। और इसको लाकर इसका तेल बनाना है। अब मैं आपको तेल बनाना सिखाऊंगी। देखो मित्रों, मैं ये ले आई हूँ अश्वगंधा की पत्ती, डाली और फल तीनों लेने हैं। और देख लो इसको और अच्छी तरह देख लो, ऐसा होता है इसका फल, ऐसी इसकी डाली होती है, अच्छी तरह देख लो, आपको पहचान में आ जाएगा इसलिए। और अब इसको मैं धो के एकदम पहले साफ कर लूँगी, बिल्कुल साफ सुथरा कर लूँगी दो तीन बार धो के। और इसमें जो जाली के पत्ते वगैरह हैं, कोई कीटाणु वगैरह हैं, चींटे वगैरह बहुत लगे रहते हैं इसमें, और छोटे छोटे इसमें कीड़े भी होते हैं, सबको साफ एकदम साफ कर लें। फिर इसको तोल लें, एक तराजू से तोल लें, या फिर आपके पास जो भी तोलने की चीज़ हो उससे तोल लें, या फिर दुकान पे तुलवा के ले आएं। तो इससे तिगुना सरसों का तेल लेना है। इसको जैसे मेरा ये 200 ग्राम है, ये मैंने तोल लिया है, देख लो ये मेरा 200 ग्राम है, तो मैं इसमें 600 ग्राम तेल ले लूँगी। ये मैंने तोल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें इसको मैं मिक्सी में डाल के और पीस लूँगी, आप भी पीस लें। और कोई दिक्कत पीसने में आए तो थोड़ा पानी भी आप डाल सकते हो इसमें, लेकिन कम ही डालें, फिर ज़्यादा आपको जलाना पड़ेगा इसलिए। अब मैंने ये पीस लिया है और एक कढ़ाई में डाल लिया है, देख लो मित्रों। और इसको कढ़ाई में डाल के अब मैं इसमें 600 ग्राम तेल डाल देती हूँ। ये मैंने 600 ग्राम इसमें तेल डाल दिया है और आँच पे पकने के लिए रख दिया है। अब इसको मैं आँच पे पकाऊंगी, जब तक पकाऊंगी तब तक ये पूरा पानी ना सोख ले। अब ये आधा सा पक गया है, अभी पूरा पानी इसने नहीं सोखा है। अभी मैं और 5-10 मिनट इसको पकाऊंगी। देखो कैसे मतलब ये पक रहा है, और इसमें अश्व की सी गंध आ रही है, बिल्कुल जैसे घोड़े में आती है ऐसी गंध आ रही है। अब इसमें थोड़ी और 5 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। बस अब ये मेरा पक के तैयार हो गया है। अब मैं ज़्यादा इसको नहीं जलाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा जलाने से इसके तत्व नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल इसका पानी सूख गया है और पूरा तत्व तेल में इसका आ गया है। इस प्रकार ही आप बना लें। और फिर इसको छान के, इसको छान लें, छान के इसको शीशी में भर के रख लें, और फिर जहाँ भी आपके दर्द है थोड़ा सा इसको लगा लें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसको नाभि में अगर आप लगाओगे तो
आपकी डायबिटीज़ की बीमारी है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, पेट आपका साफ रहेगा इससे नाभि में लगाने से। शाम को नाभि में लगा के सो जाओ। और ब्लड प्रेशर की बीमारी को भी ये ठीक करता है, कैंसर जैसी बीमारियां भी इसकी पत्तियों से खाने से मिट जाती है। तो आप इस तेल को अभी तो आप दर्द के काम लो, यदि आपके शुगर है तो आप नाभि पर भी लगा सकते हो। और मेरे को फीडबैक कमेंट में देना कि आपके कितना फ़ायदा पड़ा। आपको लगाते ही देखना कितना आराम महसूस होगा, और लगातार लगाते रहना दोनों तीनों टाइम। ये नहीं कि आपने एक बार लगा लिया बस, एक बार से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतने दिनों से आपके जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द है, तो कम से कम आधा टाइम तो लगेगा ही। महीने छः महीने इस तेल को लगाओ, और छोटी मोटी चोट तो इससे ऐसे ही एक बार में ही सही हो जाएगी। छोटी मोटी चोट का दर्द होगा वो तो एक बार में ही सही हो जाएगा। और कमर में अगर आपके हाथ नहीं पहुँचे तो किसी और से लगवा लें। सब दर्द इससे सही हो जाते हैं। और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्रों को शेयर भी कर देना। जय माता की। धन्यवाद।